नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष गोयल, मेडिकल डायरेक्टर बुराड़ी हॉस्पिटल, दिल्ली गवर्नमेंट। हम लोग आज ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो जो लोग हम ऑक्सीजन लेते हैं, नॉर्मली वो एनवायरनमेंट से आती है, वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन आती है जिसको हम ले रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी हो जाती है जिसमें आपको ऑक्सीजन ऊपर से देनी पड़ती है, सपोर्ट देना पड़ता है, उसके लिए फिर एक्स्ट्रा सोर्स चाहिए होते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एट द हॉस्पिटल। तो हमारे हॉस्पिटल पे दो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे हुए हैं। एक ही कैपेसिटी जो है वो 500 लीटर पर मिनट है और जो दूसरा है वो 1200 लीटर पर मिनट का कैपेसिटी का है, जो कि दोनों प्लांट फंक्शनल हैं हमारे यहाँ पूरी तरह से। वो ये कंटिन्यूस ऑक्सीजन देते रहते हैं। ये प्लांट बेसिकली काम कैसे करते हैं, ये जो एटमोसफेयर में ऑक्सीजन होती है करीब 21% होती है, उसको एटमोसफेयर से लेते हैं, उसमें से नाइट्रोजन निकाल देते हैं और जो ऑक्सीजन बचती है जो कि करीब 95% प्योर होती है, उसको पाइपलाइन से पेशेंट तक पहुंचाया जाता है। 1200 लीटर का जो प्लांट है जो कि अभी दिल्ली सरकार ने हमें लगवाया है, जैसे ही ये सेकेंड वेव आई थी तो दिल्ली सरकार ने एकदम इस पर एक्शन लिया और ये प्लांट हमारे यहाँ कुछ ही दिनों में ये पूरा का पूरा प्लांट लगवा दिया है और ये फंक्शनल भी है। 1200 का मतलब है करीब करीब आप ये मानिए 200-250 सिलेंडर बड़े वाले डी टाइप जंबो सिलेंडर जिसको हम बोलते हैं, उतनी ऑक्सीजन हमें रोज दे सकता है। जो पहले 500 लीटर का है उसका मतलब वो 100 सिलेंडर के अराउंड ऑक्सीजन हमें देता है। तो टोटल आज के डेट में जो हमारी अपनी जनरेशन है ऑक्सीजन की, वो करीब 300-350 सिलेंडर के बीच में हो रही है। तो इतने 300-350 सिलेंडर से हम आराम से 200-300 मरीज तक इलाज कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के। बाकी हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, वो भी दिल्ली सरकार ने हमें करीब 1000 सिलेंडर दिए हुए हैं, वो भी हम उनको भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम अभी अपना एक टेंडर LMO के लिए भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर भगवान ना करे कोई नेक्स्ट वेव आए, हम उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हों।